नमस्कार दोस्तों, क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समरेश अग्रवाल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमिनेंस फिल्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्रोमिनेंस फिल्टर वीडियो फिल्टर में से आप वीडियो पे ड्रॉप करने के बाद क्रोमिनेंस फिल्टर पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो क्रोमिनेंस फिल्टर विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पर कलर पिकर है, कलर रेंज के लिए, सिलेक्शन के लिए अलग अलग ऑप्शंस है। और राइट साइड में हम देखेंगे इनसाइड फिल्टर, आउटसाइड फिल्टर, ऐसे फिल्टर्स के लिए अलग से टैब बने हुए हैं। तो प्रोमिनेंस फिल्टर की खास बात यह है कि आप इसमें कोई भी एक सिंगल कलर सिलेक्शन कर सकते हैं और उस कलर के अंदर कोई और फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, कलर के बाहर कोई फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये सब कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कलर पिकर लिए हमने, लेकिन उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, शो की। जब हम की डिस्प्ले शो करेंगे तो यहाँ पर आपका ब्लैक और वाइट में डिस्प्ले हो जाएगा। आप कलर पिकर सिलेक्ट करने के बाद, हमने सिलेक्ट किया जैकेट का कलर है रेड, तो हम रेड कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट हो गया है। इसके अलावा आप कलर रेंज में जाकर भी कलर रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे ये अभी ब्लू कलर में, तो इस वीडियो में इस स्क्रीन पे जितना भी ब्लू है वो यहाँ पर व्हाइट में हो गया और बाकी का एरिया ब्लैक में आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट करना है, तो हम अपना बार रेड कलर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर का बार एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पर रेड कलर सिलेक्शन में आ गया है। आपको प्रॉपर रेड कलर सिलेक्ट करना है, उसके बाद की डिस्प्ले हम हटा देंगे। अब यहाँ राइट साइड में ऑप्शन है इनसाइड फिल्टर और आउटसाइड फिल्टर। आउटसाइड फिल्टर में हम सिलेक्ट करते हैं कोई एक फिल्टर, जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया एम्बॉस, तो आपको यहाँ दिखेगा एम्बॉस सिलेक्ट हो गया और उसके साथ में हमारे पास सेटअप का ऑप्शन है, हमने एम्बॉस ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपको समझने के लिए हमने एम्बॉस किया है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लेते हैं मोनोटोन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड कलर ऑप्शन छोड़ के बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया है। मोनोटोन में भी जाके आप इसका सेटअप ओपन कर सकते हैं और इसमें जो भी आपको कलर चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन है इनसाइड फिल्टर। अभी रेड कलर आपने सिलेक्ट किया, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया है, इसके बाहर ही हमने मोनोटोन फिल्टर लगाया है। अब इनसाइड फिल्टर यानी इस रेड कलर पे इनसाइड फिल्टर यानी रेड कलर के अंदर, तो हम यहाँ देखेंगे अंदर में हम कोई और फिल्टर लगाते हैं जैसे कि पेंसिल स्केच। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ रेड कलर था वहाँ पर पेंसिल स्केच एक्टिवेट हो गया है। पेंसिल स्केच के सेटअप को हम लोग इसके बाजू से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो जनरली हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है हल्दी के शूट के वक्त में, हल्दी का कलर येलो दिखाना है आपको, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, या कोई भी एक सिंगल कलर आपको दिखाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रोमिनेंस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं।